गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हिंदी सब्जेक्ट टीचर रंजना मिश्रा। आज मैं व्याकरण में समास के बारे में बताऊंगी। समास किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है, समास का सात्विक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप में इसका छोटे में लिखना, समास का सात्विक अर्थ है संक्षेप जब दो अथवा दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। समास कर लेने पर प्रायः पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। लोप मीन्स होता है हटना, जो विभक्तियां होती हैं वो हट जाती हैं और समस्त पदों को एक पद बनाकर अंत में विभक्ति लगाई जाती है। अब समस्त पद क्या है? समस्त पद उसे कहते हैं समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के लिए राजपुरुषा, तो ये हो गया आपका समस्त पद। अगर इसमें विभक्ति लगा देंगे तो वो हो जाएगा आपका विग्रह, और विभक्ति का जब लोप हो जाता है तो वो कहलाता है आपका समस्त पद। अब इसके बाद में है विग्रह। विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों में मिले हुए शब्दों को समास होने से पहले वाली मूल स्थिति में कर देने को ही विग्रह कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विग्रह, विग्रह मीन्स होता है अलग करके लिखना, और समस्त पद का मीन्स होता है कि विभक्तियों का लोप होकर के मिलाकर लिखना। उदाहरण के लिए राजपुरुषा का विग्रह होगा राज्ञा पुरुषा, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि राजा का पुरुष। ये तो आपका हो गया विग्रह, और ऊपर बताया है राजपुरुषा, ये हो गया आपका समस्त पद। अच्छा, अब समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास निम्नलिखित छह प्रकार के होते हैं। नंबर एक द्वंद्व समास, नंबर दो तत्पुरुष समास, नंबर तीन अव्ययीभाव समास, नंबर चार कर्मधार समास, नंबर पाँच द्विगु समास, नंबर छह बहुब्रीहि समास। यह समास हो गए कितने प्रकार के? छह प्रकार के। लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस पद में पूर्व पद प्रधान होता है, जिस पद में पूर्व पद प्रधान होता है। प्रधान मीन्स होता है मुख्य। प्रधान मीन्स क्या होता है? मुख्य। और पूर्व पद मीन्स होता है पहले का पद। जिस पद में पूर्व पद कैसा होता है? प्रधान होता है, उसे व्याकरण में अव्यय कहते हैं। अव्यय मीन्स होता है जो जैसा हो उसको वैसा ही लिखना, यानी कि अव्यय मीन्स होता है उसके रूप नहीं चलते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसे ही लिखा जाता है, और वह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो शब्द होता है वो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ अव्ययीभाव समास होता है। वहाँ पे क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अव्ययीभाव समास का प्रयोग किसमें होता है? क्रिया विशेषण में। जैसे प्रतिदिन, तो इसका विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस दिन, तो इसका हो जाएगा दिन दिन। आ जन्म, आ प्लस जन्म बराबर हो जाएगा इसका जन्म पर्यंत, यानी कि जन्म तक। इसमें आ शब्द अव्यय है। इसका पहला शब्द क्या हुआ? अव्यय, जो जैसा है वैसे ही रहना। और प्रतिदिन में प्रति शब्द कैसा है? अव्यय, उसको कहलाता है अव्ययीभाव समास। सेकंड है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन है, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद, पहला पद तो हो गया पूर्व पद और दूसरा पद होगा आपका उत्तर पद। तो यानी कि प्रधान मीन्स होता है मुख्य,
इस समास का दूसरा पद कैसा होता है? प्रधान होता है। और पहला शब्द गौड़, पहले शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। यह पूरा तत्व समास कारक चिन्हों पर डिपेंड है। जब हम समास करेंगे तो समस्त पद करेंगे तो विभक्तियों का लोप हो जाएगा, और जब हम विग्रह करेंगे तो वो सब विभक्तियाँ इसमें आ जाएंगी। जैसे उदाहरण में है, राज महल शब्द पहले शब्द के साथ लगे कारक चिन्ह को हटाकर दोनों शब्दों को मिला दिया गया है। कारकों के आधार पर तत्व समास छह प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह है उनके अनुसार जो तत्व समास हैं वो छह प्रकार के कर दिए गए हैं। इसमें है सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक के चिन्ह को का लोप किया जाता है। ऐसा कर्म कारक का चिन्ह है को, ये आपका मुख्य हो गया को, इसका लोप कर दिया जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, और इसका समस्त पद करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त। अगला है आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में है, इसमें करण कारक के चिन्ह से के द्वारा का लोप रहता है। से और के द्वारा का क्या होता है? लोप रहता है। जैसे सूर कृत, सूर के द्वारा कृत, कृत में होता है बनी हुई, सूरदास के द्वारा बनी हुई। अगला है आपका थर्ड संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। लोप होना यानी कि विभक्तियों का हटना। जैसे नाट्यशाला, तो इसका हम विक्रय करेंगे तो नाट्य के लिए शाला क्या हो जाएगी? नाट्यशाला। अगला है आपका अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक के चिन्ह से का लोप रहता है। अपादान का चिन्ह है से, इसका क्या रहता है? लोप रहता है। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा। अगला है आपका फाइव वाला संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक के लिए का, की, के का लोप रहता है। जैसे देव पुत्र, देवता का पुत्र। ये विग्रह, ये तो समस्त पद हो गया आपका देव पुत्र, और इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देवता का पुत्र, और संबंध तत्पुरुष का चिन्ह है का, की, के, रारी, रे। लास्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक के चिन्ह में का लोप रहता है। इसका चिन्ह है में का लोप रहता है। जैसे आप बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती हुई। ये आपके हो गए समास। आपके सिलेबस में केवल दो ही समास।